नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका आज चक्रव्यूह में। आज बात सियासत पर नहीं होगी, आज बात राजनीति पर नहीं होगी। आप ये कहेंगे कि 2022 में चुनाव है और आप राजनीति पर बात नहीं करेंगी, तो मैं ये कहूंगी कि राजनीति से ऊपर भी एक बात है जिस पर बात करना जरूरी है। वो बात है महिलाओं की सुरक्षा की। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पिता और बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया, जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। 11वीं क्लास में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा ने अपने पिता पर बलात्कार करने के साथ साथ सपा और बसपा जिलाध्यक्षों सहित 28 लोगों द्वारा भी बलात्कार करने का गंभीर आरोप लगा दिया है। इसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पिता सपा जिलाध्यक्ष तिलक यादव, बसपा जिलाध्यक्ष दीपक अहिरवार सहित सभी 28 आरोपियों के खिलाफ बलात्कार सहित अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये पूरा मामला क्या है जरा आपको बता देती हूँ। नाबालिग छात्रा की शिकायत के मुताबिक जब वो 6वीं क्लास में पढ़ती थी, तभी से उसके पिता उसका शारीरिक शोषण और रेप की घटना को अंजाम देते आ रहा था। फिर धीरे धीरे नाबालिग छात्रा के साथ उसके पिता अपने अन्य दोस्तों से भी बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिलाने लगा, जिसमें सपा जिलाध्यक्ष तिलक यादव और बसपा जिलाध्यक्ष दीपक अहिरवार भी शामिल है। छात्रा आगे कहती है कि इसका विरोध करने पर उसे और उसकी मां के साथ मारपीट कर जान से मारने की भी धमकी दी गई, जिसकी खौफ की वजह से वो शांत रही और यूं ही लगातार शोषित होती रही। उसके साथ सालों तक ये चलता रहा। पीड़ित छात्रा और उसकी मां ने जब इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की, तो उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई के आदेश दिए। पीड़ित छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराने के साथ साथ अन्य कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ बलात्कार सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं पिता की करतूत के सामने आने के बाद जिले भर में आरोपियों के खिलाफ रोष भी व्याप्त है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक गिरजेश कुमार ने कहा है कि यह मामला काफी संवेदनशील है, इसलिए लड़की का बयान लिया जा रहा है और सभी सावधानियां भी बरती जा रही हैं, क्योंकि बिखरते रिश्तों का ये पूरा मामला है। इस मामले में हम बड़ी गंभीरता और संवेदनशीलता से जांच कर रहे हैं। इस मामले में 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सपा जिलाध्यक्ष तिलक यादव ने इस पूरे मामले में सफाई दी है। रेप का आरोप लगने पर सपा जिलाध्यक्ष तिलक यादव ने कहा है कि मैं आज तक आरोप लगाने वाली छात्रा से मिला भी नहीं हूं। तिलक यादव का कहना है कि उनको उनके परिवार को बर्बरता करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। साथ ही कहा है कि अगर झूठा फंसाया जाता है तो वो बीच चौराहे पर आत्महत्या कर लेंगे। उनका यह भी कहना है कि ये बीजेपी के लोगों का षड्यंत्र है। बसपा से जो जिलाध्यक्ष और तमाम जो नेता हैं, उनका कहना है कि मैं छात्रा को नहीं जानता, यानी कि दोनों जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं पिता समेत, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो पहले से छात्रा को नहीं जानते। ये पूरी साजिश है। जिस छात्रा ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर भी शिकायत दर्ज कराई है, वो अपने रिश्तेदारों के नाम भी अज्ञात बता रही है, लेकिन उसको जिले के सभी विपक्षी नेताओं के नाम मालूम है। ये पूरा षड्यंत्र है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का षड्यंत्र है। तो इस पूरे मामले में पीड़िता का क्या कुछ कहना है, पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है, सपा नेता का क्या कुछ कहना है, वो भी जरा सुन लीजिए। मैं अपनी पूरी होश और आवाज में ये वीडियो बना रही हूँ। जब मैं कक्षा 6 में थी, मेरे पिताजी ने मुझे गंदी गंदी वीडियो दिखाई और कहा कि तुम्हें भी यही करना है, और मैंने कहा कि मैं ये नहीं करूँगी, तो बोले कि तुम्हें यही करना पड़ेगा और अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारी माँ को मार दूंगा। फिर उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल से खाने के बहाने मुझे खेतों में ले गए और उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। उन्होंने मुझे धमकी दी, इसलिए मैं डर गई, इसलिए मैं शांत रही, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन जब मैं स्कूल गई तो वो मुझे छुट्टी के समय तुरंत लेने आए और बोले कि जो मैं कहूँगा वो करना, तो मैं शांत रही, मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे पानी की टिक्की पिलाई और एक होटल में ले गए। उस होटल का नाम राधा कृष्णा होटल था, वह स्टेशन के पास है। वहाँ पे एक बाहर एक औरत खड़ी हुई थी,
मैं उसको नहीं जानती थी, पर उसने बोला कि आओ बेटा मैं तुम्हें एक कमरे में ले चलती हूँ। मुझे वह कमरे में ले गई। मैं धीरे धीरे बेहोश की हालत में होती गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो पानी की टिक्की मुझे पिलाई गई है उसमें कोई चीज़ मिली है। तो मैं धीरे धीरे बेहोश होती गई और वह औरत मुझे कमरे में छोड़ गई और बोली कि मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, तुम यहीं रुकना। फिर धीरे धीरे मैं बेहोश होती गई। वहाँ उस कमरे में एक आदमी आया, उसने मेरे साथ बलात्कार किया। जो है ललितपुर शहर का ही है, और कल रात एक लड़की ने तहरीर दी जिसमें उसने अपने पिता पर ही जो है शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है कि उसके पिता ने ही उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, और न केवल अपने ही दुष्कर्म किया बल्कि अन्य लोगों से अपने साथ ला करके उसका शारीरिक शोषण करवाता था, जिस संदर्भ में कोतवाली में FIR दर्ज कर ली गई है और लड़की नाबालिग है, और इस संदर्भ में जो है उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है और 164 का बयान भी कराया जाएगा, और जो अन्य लोगों के भी उसने नाम दिए हैं, क्योंकि मामला पिता पुत्री का भी है और बहुत संवेदनशील मामला है, उसमें अन्य कई लोगों के नाम लिए हैं। जो भी बात होगी उसको बड़े धैर्य से जो है उसका परीक्षण करके और इस संवेदनशीलता को ध्यान रखते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी, ताकि कोई दोषी उसमें बचने न पाए, और उसकी सुरक्षा के दृष्टि से सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। उसके आवास पर, लड़की के आवास पर उसकी सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात कर दिया गया है। मंत्री से लेकर जो गृह सचिव हैं, सभी से मेरी मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराएं, जिससे कि सत्य को इस षड्यंत्र का उजागर हो। कितने लोगों पर मुकदमा लग गया? हमने सुना है, मैं तो अभी मीटिंग में था और सुना है कि शायद 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा है, और जिसमें उस लड़की ने अपने पिता पर भी बलात्कार का आरोप लगाया, और वो कह रही है कि हम जब कक्षा 4 में पढ़ते थे तब से हमारे ऊपर बलात्कार हो रहा है। इस समय उसकी उम्र वो 2004 का अपना जन्म बता रही है, तो और लॉकडाउन की पहले की घटनाएं बता रही है, तो उसकी भाषा जो FIR में है उससे ही लग रहा है कि वो कहीं से प्रेशर में है या मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तो हमारा सभी पत्रकार साथियों से लेकर सभी राजनीतिक दलों से अपील है कि वो इस तरह के झूठे षड्यंत्र, क्योंकि ये किसी के भी खिलाफ हो सकते, कोई भी किसी के खिलाफ लगा सकता। रिश्ते तार तार हुए हैं। पहले पिता ने अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार किया, फिर उसके बाद एक एक करके तमाम लोगों ने उसके साथ वहशीपन किया है, और ये कोई आम नागरिक नहीं है, ये है नेता सपा से, बसपा से, इसके अलावा तमाम रिश्तेदार भी हैं जिस पर पीड़िता ने आरोप लगाया है। लगातार कई सालों से ऐसा होता रहा, उसको चुप रहने की हिदायत देते रहे, धमकियां देते रहे कि अगर वो इसकी शिकायत करती है तो उसकी मां को मार देंगे। ऐसा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी नेता पर इस तरह के आरोप लग रहे हों। उत्तर प्रदेश में तमाम नेताओं पर, चाहे वो बसपा के हों, चाहे वो सपा के हों, चाहे वो BJP के हों, इन सभी पर आरोप लगते रहे हैं। एक एक करके बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो मैं आपको गिनाना चाहूंगी। सबसे बड़ा और जो प्रमुख नाम है वो है कुलदीप सेंगर, जो 2017 में सामने आया, 2018, 2019, 2020, 2021 बहुत कुछ इसमें हुआ। उसके अलावा चिन्मयानंद, उसके अलावा गायत्री प्रजापति, ये वो नाम है जो बहुत ज्यादा प्रमुख हुए थे। यानी कि राजनेता भी कई ऐसे हैं जिन पर इस तरह के आरोप लग चुके हैं, कई ऐसे भी हैं जो जेल में हैं, कई ऐसे हैं जो जेल की सजा काटकर वापस लौट चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? ना महिलाएं अपने आप को बाहर सुरक्षित महसूस करती हैं, और घर में वो कितनी महफूज हैं वो तो इस मामले से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। छठी क्लास में, यानी कि बहुत ही कम उम्र रही होगी पीड़िता की, जब से वो प्रताड़ित होती रही, शोषित होती रही, उसके साथ शोषण होता रहा, मानसिक शारीरिक प्रताड़ना लगातार वो झेलती रही, लेकिन सालों से इतनी डरी सहमी थी कि उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो थाने में जाकर एक पुलिस कंप्लेन कराए। जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और कल एक प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। पुलिस का कहना है कि ये मामला बेहद संवेदनशील है, क्योंकि अपने रिश्तेदारों के साथ साथ तमाम नेताओं के नाम इसमें सामने आ रहे हैं। इसके अलावा हम
हर एक एंगल से जांच कर रहे हैं। मेडिकल परीक्षण जो है वो पीड़िता का करा दिया गया है। इंतजार है अभी रिपोर्ट का, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो तिलक यादव हैं उनका एक वीडियो सामने आया और हमने आपको दिखाया भी है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो उस छात्रा को यानी कि उस लड़की को जानते ही नहीं है। ये आरोप निराधार हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि सिर्फ और सिर्फ फंसाने की साजिश है उसके और उसके भाइयों को। वहीं अगर बसपा के जिस नेता का नाम सामने आ रहा है उसकी बात अगर मैं करूं तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि यह सिर्फ बीजेपी का एक षड्यंत्र है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो उस छात्रा को जानते तक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आप चाहे उसे जानते हो या ना जानते हो, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, बीजेपी हो, आखिर महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है? 2017 के बाद से उम्मीद जगी थी कि अब बेहतरी होगी, महिलाएं सुरक्षित होंगी, देर रात वो अकेले घर से बाहर निकलेंगी तो अपने आप को महसूस करेंगी। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है। तमाम मेहमानों से भी आपका मैं परिचय करा देती हूं। राजेश चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बुदेव शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में बहुत स्वागत है। ये मुद्दा बेहद ही संवेदनशील है, ये मुद्दा बेहद जरूरी है क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हर एक पॉइंट पर नजर रखी जा रही है। तो सबसे बड़ा पॉइंट है महिलाओं की सुरक्षा। एक पीड़िता जो कि 17 साल की बताई जा रही है, जिसके साथ कई सालों से रेप की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, वो आती है और तमाम नेताओं पर, अपने ही पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाती है। निरंजन पोद्दार जी, इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो आपकी पहली टिप्पणी क्या रहेगी? निरंजन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो निरंजन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए ठीक है, इस पूरे मामले की अगर हम बात करें, इस पूरे मामले में फिलहाल राजनीति तो नहीं हो रही है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि अगर यह पूरा मामला इस तरह से यूं ही उठता रहा तो इसमें राजनीति भी होगी, क्योंकि राजनेताओं को आदत है हर एक मुद्दे को भुनाने की। निरंजन जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, काजल जी बताइए। निरंजन जी, ललितपुर में एक बेटी ये कह रही है कि उसके पिता ने उसके साथ बलात्कार किया, वो भी एक बार नहीं कई बार। कई सपा के नेता इसमें शामिल हैं, कई बसपा के नेता इसमें शामिल हैं। देखिए काजल जी, ऐसा है कि जिस समाज के अंदर कन्या को पूजा जाता है, मैं कह रहा हूं अभी तो वैसे भी मां भवानी के नवरात्र चल रहे हैं और आज अष्टमी के दिन लोगों ने कन्या पूजन किया और उसके अंदर अगर ऐसे विभत्स कांड अगर नजर आते हैं तो इससे ये समाज और इस समाज की जो एक हमारा जो ताना बाना है वो कैसे कहां बिखर करके कहां तक चला जाएगा। और मैं कहता हूं कि इसके अंदर ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या किसी भी अन्य पार्टी, इसको राजनीति से ना जोड़ करके मैं कहता हूं इसकी निश्चित रूप से इसकी विषय तो उत्तर प्रदेश में किसी मुद्दे पर राजनीति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उत्तर प्रदेश में हर मुद्दे पर राजनीति होती है। अगर एक बेटी की अस्मिता के ऊपर भी अगर राजनीति होती है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूं चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे पार्टी हो या अन्य कोई पार्टी हो, वो निश्चित रूप से अपने आप में एक माइलस्टोन तय करे, एक मिसाल कायम करे ऐसे लोगों के ऊपर जिनके ऊपर आरोप लगा है, उनको विवेचना तक, उनको बिल्कुल उनको निरंजन जी। लेकिन ऐसा कब तक होता रहेगा? देखिए, जब भी कोई मुद्दा ऐसा आता है, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो ना हो, चाहे वो आज ललितपुर हो, 4-5 दिन तक तो बहुत बहस होती है, बहुत चर्चाएं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी मामले जो हैं वो लगातार सामने आ जाते हैं। आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? ये जो नेता होते हैं ये क्यों इनमें संलिप्त तो होते हैं? क्या अपने अपने पद का फायदा क्यों उठाते हैं? क्या लगता है कि अगर ये कुछ गलत करते हैं तो अपने पद के कारण ये बच जाएंगे? नहीं, यहाँ पे तो नेता
यहाँ पे तो काजोल जी नेता क्या, यहाँ पे तो एक पिता इन्वॉल्व है, इससे ज्यादा और घृणा की क्या बात। पिता इन्वॉल्व है और मैं तो ये कहता हूं, जो आपने पूछा ये कब तक होता रहेगा, देखिए इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी घर के अंदर, एक एक घर के अंदर पहरा नहीं दे सकता, हर घर के अंदर सिपाही नहीं रख सकते, पुलिस नहीं रख सकते। इसके अंदर तो समाज के जो ठेकेदार बनते हैं, चाहे वो धर्म गुरु हो, चाहे वो सामाजिक जो के, या हमारी कोर्ट हो, हमारा कोर्ट ऑफ लॉ हो, इनको सबको बैठ करके एक बार दोबारा से सोचना पड़ेगा। और जो हमारा जो सामाजिक सरोकार और जो संस्कार हुआ करता था उसके ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मामला है ये बहुत ही विचारणीय और बहुत ही सोचने के लिए विवश करता है। क्योंकि हर घर में बेटी, हर घर में जन्म लेगी, अगर बेटी जन्म नहीं लेगी तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा, और अगर बेटी जन्म लेती है और उस बेटी के साथ वो अपने घर में महफूज नहीं है। जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ, सुरक्षित नहीं है काजोल जी। पोदार जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें FIR दर्ज नहीं होती, जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तो कोर्ट इस पूरे मामले में क्या करेगा, आप ये बताइए। इस पूरे मामले को ही देख लीजिए आप, जब मासूम छठी क्लास में थी तब से उसके साथ शोषण होता रहा है, इतने सालों तक वो चुप रही, डरी रही, सहमी रही, आखिरकार इतने सालों बाद उसने चुप्पी तोड़ी। निश्चित रूप से काजोल जी, और ये हमें एक हमारे समाज को, हमारी बच्चियों पे, हमारी बेटियों को इस चीज के लिए तैयार रखना पड़ेगा कि जिस दिन पहली प्रकाशित हो कोई भी नरभक्षी कहूं या उसको मैं मानवर कहूं, क्योंकि मानवर इसलिए कहता हूं कि जो इंसान के शरीर में है लेकिन उसकी फितरत जानवर वाली है, तो मैं उसको मानवर कहता हूं। ठीक है पोदार जी, आपके पास लौटूंगी, भूदेव शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास वापस जाऊं, उससे पहले राजेश चौधरी जी सत्ता में आप हैं, पोदार जी आपके पास वापस लौटूंगी, उनको इसके लिए शिकायत करनी चाहिए, उनको इसके लिए अपना मुखर होकर आगे आना चाहिए। ठीक है पोदार जी आपके पास वापस लौटूंगी। राजेश चौधरी जी सत्ता में आप हैं, आखिर कब तक यूं ही महिलाओं की अस्मत लुटती रहेगी, और ये जो सफेद कुर्ता पहने लोग हैं कब तक यूं ही बचते रहेंगे। देखिए ये बहुत गंभीर घटना है और ये आरोप कोई सामान्य आरोप नहीं है, इस तरह से इसे तो जघन्य से जघन्य कांड के अंदर रखा जाना चाहिए और रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से गंभीर है और घटना की पूरी तरह से जांच हो रही है, और जो दोषी है, एक दोषी नहीं बच पाएगा, ये तो जघन्य कांड है, इससे बुरा कांड कोई हो नहीं सकता। आप जिस तरह से टेलीविजन पे दिखा रहे हो, इस तरह की घटना निंदनीय से निंदनीय घटना है, और कोई भी अपराधी है इसके अंदर, कितना बड़े से बड़ा, चाहे वो नेता हो चाहे कोई और हो, कानून के सामने सब बराबर है। योगी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस पर चलती है। अरे आपकी सरकार तो जीरो टॉलरेंस पर चलती है, आप ये कहते हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देंगे, 2017 के दावे में आपने यही वादा किया था, लेकिन उसके बाद भी महिलाएं अपने घर में सुरक्षित नहीं है, बच्चे अपने घर में सुरक्षित नहीं है, इतने सालों से इसके साथ ये होता रहा, डरी सहमी महिला, वो मासूम बच्ची घर में बैठ जाती है, अभी तक तो महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज कराने तक नहीं पहुंच पाती। देखिए समाज की स्थिति आप देख रहे हो, कोई कल्पना कर सकता है कोई बाप अपनी बेटी के साथ बलात्कार करेगा, पर हो रहा है तो सरकार इसके प्रति गंभीर है। जैसे ही जानकारी में आया तुरंत मुकदमा कायम हुआ है, मुकदमा कायम होने के बाद कार्रवाई हो रही है, और तब तक पूरे परिवार को मरवा दिया जाता है, तब तक पूरे परिवार को मरवा दिया जाता है, जैसे कुलदीप सेंगर मामले में हुआ, क्योंकि अपने सफेद कुर्ते का फायदा तो उठाएंगे ना नेता। देखिए ऐसा नहीं हो सकता है, गायत्री प्रजापति का आप नाम ले रही थी, गायत्री प्रजापति के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में FIR दर्ज हुई, 6 महीने तक वो गायब रहा, चाहे वो सेंगर पे आरोप लगा होगा, FIR दर्ज होना काफी है, लगते ही उसके FIR दर्ज होकर के मुकदमा चला और आज वो सजा याफ्ता है, उसकी विधायकी चली गई, आज वो जेल के अंदर। चौधरी साहब इस सरकार में किसी को, चौधरी साहब विधायकी चली गई, पार्टी से बाहर निकाल दिया, एक महिला की, एक मासूम की अस्मत लुट गई, उससे ज्यादा बढ़कर भी कुछ हो सकता है क्या? क्या इतना भर काफी है? अपराधी को सजा देना ये सरकार का काम है, और उसके मुकदमे की ठीक से पैरवी हुई, वो जेल में आज इस मामले में भी यही होगा, जो अपराधी होगा उसको किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा, वो जेल जाएगा, सजा होगी।
ठीक है, कितने दिन लग जाएंगे इस पूरे मामले में, जो भी आरोपी उनको गिरफ्तार करने में बताइए। जो अभी गोरखपुर में कांड हुआ था मनीष गुप्ता, उसके आरोपी तो अब गिरफ्तार हो रहे हैं आपकी पुलिस से, इतने दिनों बाद। शीघ्रता को भी समय की आवश्यकता होती है, शीघ्रता को भी समय की आवश्यकता होती है, आप इंतजार करिए, बहुत जल्दी से जल्दी अपराधी कानून के सिकंजे में होंगे और वो जेल के सीकचों के पीछे नजर आएंगे आपको, बहुत जल्दी। ज्यादा समय लगता है ना चौधरी साहब, तो फिर जैसे कुलदीप सेंगर वाले मामले में हुआ था ना, फिर वैसी ही चीजें होती है जैसे उन्नाव में हुआ था, मानते हैं ना आप इस बात को? कुलदीप सेंगर गिरफ्तार हुए, उन्हें सजा हुई है, मैं बार-बार आपसे ये कह रहा हूँ, वो सजा हुआ और तब तक परिवार के कई लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया गया। सामने कोई भेदभाव नहीं किया गया, आप तक कर दो, गायत्री प्रजापति को 6 महीने तक ढूंढती रही थी उत्तर प्रदेश की पुलिस, FIR नहीं हुई थी, मारी मारी मिलती रही वो बेचारी जो पीड़ित थी, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुई, आज जैसे ही सूचना मिली मुकदमा कायम हुआ है और अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी और सख्ती से कार्रवाई करेगी और हम सब लोग इसकी चिंता करेंगे कि अपराधी जेल के अंदर हो। ठीक है, सुजीत यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? सुजीत जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, चलिए हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। भूदेव शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। भूदेव जी, कांग्रेस सियासत भरपूर कर रही है, लखीमपुर कांड पर पहुंच गई, वहां पर सांत्वना दी है परिवार को, बहुत अच्छी बात है। हाथरस मामले में भी बहुत कोशिश की गई, परिवार से मिले, बहुत अच्छी बात है। इस पूरे मामले में कांग्रेस क्यों नहीं सामने आ रही है, कोई एक ट्वीट अब तक दिखा नहीं सुबह से? देखो काजल जी, सबसे पहले मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही निंदनीय, बहुत ही कलंकित घटना है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न के मामलों में जो वृद्धि हो रही है, वो एक सोचने के लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि चाहे उन्नाव हो, हाथरस हो, बलिया हो, और आपके लखीमपुर या जहाँ पर भी जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, वहाँ बिना कोर्ट के आदेश के कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। यहाँ की सरकार और प्रशासन इतने ढीठ हो गए हैं, ये कहिए कि इतने निर्दयी हो गए हैं कि महिलाओं के प्रति उत्पीड़न होते हैं, उनके परिवार को जला दिया जाता है, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोर्ट अगर स्वयं संज्ञान लेकर के इनको आदेश देता है, तब जाकर के अपराधियों को पकड़ा जाता है, उनके FIR दर्ज होती है, उनके प्रति कार्रवाई की जाती है। अब आप बोल रहे हो कि सियासत करने की बात, तो मैं आपको बता दूं काजल जी कि अगर विपक्ष अगर कहीं आवाज नहीं उठाएगा, तो जिस तरह से हाथरस में रात को 12 बजे हमारे देश की एक बिटिया को जला दिया गया, मैं तो वही कह रही हूं आपसे, तो ये घटनाएं होती है, मैं वही कह रही हूं आपसे, आप इस पूरे मामले को तो उठाइए ना, इतना गंभीर मामला, 28 लोगों पर आरोप लग रहा है। काजल जी वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर विपक्ष आवाज उठाता है तो आप लोग कहते हो कि राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, मीडिया उसे बढ़ चढ़ करके बताती है, लेकिन जहाँ पर भी अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाता है, वहाँ हमारी बहन बेटियों को रात को 12 बजे पुलिस प्रशासन के द्वारा जला दिया जाता है। उस समय न कोई किसी सपा वाले या बसपा वाले या मीडिया वाले ये कहते हैं कि विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए थी, इसलिए विपक्ष अपना काम कर रहा है, और इस मामले को भी अगर इसके प्रति कार्रवाई नहीं की गई तो इसको भी हम निश्चित आवाज उठाने के लिए कोई आपको नहीं रोक रहा है, लेकिन सियासत मत करिए, हम ये कह रहे हैं। नहीं, ये सियासत नहीं है, विपक्ष को आवाज उठानी होगी, विपक्ष का काम है तो हर मुद्दे पर उठाइए ना, हर मुद्दे पर उठाइए, और सिर्फ यूपी पर फोकस मत रखिए, सिर्फ यूपी पर फोकस मत रखिए, तमाम राज्यों पर भी फोकस रखिए, जहाँ जहाँ जो भी घटनाएं हो रही है फोकस रखिए। राजन जी, सत्ताधारी सरकार सत्ते के नशे में इतना चूर हो चुकी है कि उसे अपने नेताओं के करतूतों को दिखाई नहीं दे रहा है, उनको जिस तरह से बचाने का काम किया जा रहा है ये नहीं होगा। विपक्ष हमेशा आवाज उठाएगा, जहाँ पर भी कहीं पर भी पूरे देश में अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो हम उसके लिए निश्चित तौर पर आवाज उठाएंगे। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रियंका गांधी पीड़िता से मिलने पहुंचेंगे ललितपुर, उम्मीद है, बिल्कुल। चलिए ठीक है, वो तस्वीर का इंतजार रहेगा, क्योंकि चैनल पे हम चलवाएंगे कि प्रियंका गांधी पहुंची हैं ललितपुर पीड़िता से मुलाकात करने के लिए। सुजीत जी, क्या मेरी आवाज पहुंची है आप तक? सुजीत जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आपको मेरी आवाज जी? सुजीत जी, तिलक यादव जिला अध्यक्ष सपा से गंभीर आरोप लगा है
कितने और ऐसे नेताओं को आप अपनी पार्टी में रखेंगे जो कि रेप के आरोप में कभी जेल में होते हैं, कभी जेल से बाहर होते हैं, कभी जेल जाने वाले होते हैं? जिस प्रकार से ललितपुर की उस नाबालिग पीड़िता ने अपनी कहानी सुनाई और उनकी माँ ने जो कहानी बताई है वो बहुत ही दुखद अपनी निंदनीय है। इस में जो लोग भी दोषी हैं, जो जिन लोगों के खिलाफ 28 है उन सबके खिलाफ अगर दोषी पाए जाते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के अस्मिता के साथ में, महिलाओं के सम्मान के साथ में अगर कोई खिलवाड़ करता है तो वो दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन भाजपा की सरकार में ये होता थोड़ा सा कम दिख रहा है, क्योंकि भाजपा में हमेशा से महिलाओं के साथ, महिलाओं कोई जो कहते तो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो बिल्कुल उल्टा ही रहा है। इन्होंने हमेशा बेटी बचाने पर ध्यान नहीं दिया है। अरे आरोप भाजपा नेताओं पर नहीं लग रहा है, आरोप सपा के नेताओं पर लग रहा है। बलात्कार तो आप ही लोग कर रहे हो भाई, उपदेश मत दो। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पे आरोप लगा है, भाजपा के जिलाध्यक्ष पे नहीं लगा। बलात्कार करने वाला इस केस में समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष है। चौधरी साहब आपकी बात मैं सुनूंगी। सुजीत यादव जी की आवाज बहुत कम आ रही है। आप याद करिए कि जब हाथरस वाला मामला जिसमें इन्होंने कहा कि महिला के साथ बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन जब SBI की CBI की रिपोर्ट आई तो उसने साफ पता चला कि उसके साथ बलात्कार हुआ था। सुजीत जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, पहले तो आप हेडफोन लगाइए, आपकी आवाज क्लियर नहीं होगी। और सबसे जो बड़ी चर्चा है आज आपसे ही है, क्योंकि आपके ही नेताओं पर आरोप लग रहे हैं। पोद्दार साहब आपने सुना, यहाँ पर एक दूसरे पर फिर आरोप प्रत्यारोप किया गया कि भाजपा की सरकार में ये हो रहा है। उधर से भाजपा नेता ये कहते हैं कि बलात्कारी तो आपके नेता हैं, यही करते रहेंगे और मामला यही दब जाएगा। देखिए काजोल जी, आपने भी कालांतर में देखा होगा कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी थे समाजवादी पार्टी के नेता, तो उस टाइम उनका एक बयान बहुत ज्यादा विवादित बयान था और वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। आपने भी सुना होगा बिल्कुल कि उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा था कि भाई लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये मानसिकता जिस पार्टी के नेतृत्व की होगी तो वहां हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उस जिला अध्यक्ष के ऊपर वो कोई कार्रवाई करेंगे या उसको वो कहीं ना कहीं वो सिस्टम में लेके आएंगे। रही बात अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे काजोल जी, मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले बलिया की एक लड़की ने सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह कर लिया था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद के द्वारा उसको उसका शारीरिक शोषण किया गया था, उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसके अंदर पूरी के पूरा पुलिस प्रशासन और पूरी मशीनरी उस बसपा सांसद के प्रभाव में कार्य किया और उसको न्याय, वो न्याय की उम्मीद में दिल्ली तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट जाकर के जब उसको लगा कि उसकी न्याय की उम्मीद टूटी तो उस लड़की ने और उसके जो उसका जो पुरुष मित्र था उन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के अहाते में, सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने अपने आप को आग के हवाले कर दिया। और उसके बाद में वो किस तरीके से वो समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित होकर के उसने अपने प्राण, दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि उस टाइम कहां पे प्रियंका गांधी जी थी? क्यों सुप्रीम कोर्ट क्या प्रियंका गांधी जी के निवास से कुछ ज्यादा दूर नहीं, था कांग्रेस तो जहां पे घटना घटी सबसे ज्यादा सियासत होगी, जहां सबसे ज्यादा उन्हें वोट मिलेगा, कांग्रेस तो वहां जाएगी। काजोल जी दुर्भाग्य इस समाज का और इस देश का आज की तारीख में यही हो गया है कि सारी चीजें सेलेक्टिव हो गई हैं। अगर कोई आपके पक्ष में बोल रहा है, दो ही इस टाइम खेमे बने हुए हैं और पुदार साहब आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। भूदेव शर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल काजल जी, प्रदेश जाते हैं ये मथुरा जाते हैं, ये हर जगह जाते हैं, क्या राजस्थान के अंदर, क्या राजस्थान का इनको पता नहीं पता है? क्या राजस्थान के अंदर इनको वहां इनके लिए कोई कोई चीज है जो
इनको वहां जाने से रोकती है। काजल जी, मैं निरंजन जी को ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वहाँ हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष के रूप में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का काम इस लोकतंत्र को बचाने का है और राजस्थान के अंदर ये अपराध करा रहे हैं। राजा जी राजस्थान के अंदर आपका मुख्यमंत्री कहता है कि यहाँ नहीं आएगी प्रियंका वाड्रा, यहाँ नहीं आएंगे राहुल गांधी। आप सुनिए ना, बीच में बोलने का क्या है, मैं बोला आपके बीच में, मेरी बात सुनिए। राजस्थान में हमारी सरकार है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रात को 12 बजे जलाया जाता है, या सुप्रीम कोर्ट के बिना संज्ञान लिए, हाई कोर्ट के बिना संज्ञान लिए FIR दर्ज नहीं की जाती है, राजस्थान में अगर कोई भी वारदात होती है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाती है। राजस्थान के अंदर तो काजल जी, एक सवाल करना चाहता हूँ इनसे, अगर आपकी इजाजत हो तो। राजस्थान के अंदर भमरी देवी कांड होता है काजल जी, इनसे एक जवाब, एक सवाल, बरसों से एक महिला से समाचार उसको जिंदा दफना दिया जाता है, इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ अगर इनकी आपकी इजाजत हो। राजस्थान जाने की जरूरत ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अपराध इतने चरम पर है कि राजस्थान का रुख करने की जरूरत ही नहीं है। कोशिश मत करिए, बोलिए काजल जी। भूदेव जी से एक सवाल करना चाहता हूँ आपकी इजाजत हो तो। प्रवक्ता बड़ा भाषण दे रहे थे, मेरे पास ये आंकड़े हैं। 2016 में इनकी सरकार थी, 2016 में 4816 बलात्कार की घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हुई, और आज हम बैठे हुए 2021 में 2317 घटनाएं हुई हैं। इनसे आधी अपराधियों का राज समाजवादी पार्टी के शासन में होता है, लॉ एंड ऑर्डर खराब समाजवादी पार्टी के शासन में होता है। और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे प्रवचन कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ, भमरी देवी कांड का राजस्थान के अंदर हुआ था, आपके मंत्री ने बलात्कार किया और उसको जबरन उसको जो है जला करके उसको समाप्त भी कर दिया था, वो तो कोर्ट में संज्ञान लिया और उसको सजा हुई जेल में। तो ये आपका इतिहास रहा है, वही हम कह रहे हैं नैना सानी कांड कहाँ हुआ था, जिंदा काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में करके नैना सानी को तंदूर में जलाने वाले कांग्रेस ही तो थे वो सुशील शर्मा कांग्रेस यूथ कांग्रेस का ही तो अध्यक्ष था। आप कहाँ अपना इतिहास पढ़िए, वो याद नहीं आएगा प्रियंका वाड्रा को, केवल राजनीति उत्तर प्रदेश में करनी आकर के लोगों को भड़काना है। ये जिंदा सिखों को जलाने वाले लोग हैं ये साहब। कांग्रेस को तो आज आपने बहुत बोलिया, कांग्रेस को तो बहुत बोलिया, एक बार बीजेपी से भी सवाल कीजिए ना, सत्ता में तो वही है। उत्तर प्रदेश की बात कीजिए आप, राजस्थान में देखिए काजल जी, ऐसा है कि जो कोई भी अपराध हो, अपराध को राजनीतिक पार्टियों के अंदर बांट करके नहीं देखा जाता। नहीं, यहाँ तो राजनीति होती है ना, जो देश की विडंबना है, जमात की विडंबना है, वादे किए जाते हैं, महिलाओं को सुरक्षित रखा जाएगा, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाता है, लेकिन होता क्या है, होता किससे छिपा नहीं है, जिसमें आप अपने अपराधियों को डाल के। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर आज अपराधी अपने गले में तख्ती डाल करके थाने में आता है कि मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं अपराधी हूँ। उत्तर प्रदेश में वो माहौल हमने दिया है, आज अपराधी थाने में जाकर के दरोगा के बराबर में कुर्सी डाल के नहीं बैठने का काम करता जो समाजवादी पार्टी के शासन में होता था। आज अपराधी आता है गले में तख्ती डालता है, मैंने अपराध किया और गिरफ्तारी देता है आकर, ये माहौल हमने दिया है। चौधरी साहब आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैं सुन रहा हूँ। चौधरी साहब आप ये बताइए कि महिलाएं कब तक सुरक्षित होंगी उत्तर प्रदेश में? 4.5 साल का कार्यकाल, दावा तो किया था कि महिलाएं बहन बेटियां अगर रात में भी घर से बाहर निकल रही हैं, किसी काम से दफ्तर से घर जा रही हैं, तो वो सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएंगी। यहाँ तो महिलाएं घरों में सुरक्षित नहीं है और उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बाहर जाकर FIR दर्ज कराए, यानी डर है अभी भी महिलाओं में, ये डर कब खत्म होगा? इस घटना में परिवार के सदस्यों पर आरोप लगाए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के नेता पर आरोप लगाए, बसपा के नेता पर लगाए, जांच हो रही है। मैं फिर एक बार आपसे कह रहा हूँ, किसी दोषी के साथ कोई लापरवाही नहीं बख्शी जाएगी, उसको कठोर से कठोर सजा देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। आपकी बात से और जिसके साथ ये घटना घटी है उसको, पीड़िता को न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि उसको न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। और जो आत्महत्या की बात आप कर रही थी, उस आत्महत्या के लिए उकसाने वाले कौन,
वो समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं, पुराने एक्स आईपीएस ऑफिसर उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की, आपकी जिन्होंने उस महिला को आपकी पूरी बात से मैं सहमत हूं चौधरी साहब, लेकिन आप मुझे ये बताइए प्रेरित किया उसको भी जेल डालने का, आप मुझे ये बताइए चौधरी साहब, आप मुझे बताइए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप कह रहे हैं कार्रवाई होगी, न्याय मिलेगा और जो दोषी हैं उनको सजा भी जरूर मिलेगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि कब तक बहन बेटियां यूं ही शिकार होती रहेंगी। देखिए उत्तर प्रदेश का माहौल निश्चित रूप से बदला है, इसमें कोई संदेह नहीं है, योगी जी पे लोगों का भरोसा है। आज कितने अपराधियों को मुठभेड़ में पुलिस से मुठभेड़ हुई और वो मारे गए, अनेक अपराधियों पे एनएसए की कार्रवाई करके जेल के अंदर डाला गया है। आज उत्तर प्रदेश में अपराधी घुसने से कांपते हैं, वो हमने कानून का राज कायम किया है। अब घटना हो रही है तो निश्चित रूप से सजा होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, यदि आपको कार्रवाई में कोई कोताही लगे तब तो आपका ये है, पर ये निश्चित रूप से जो अपराधी है मैं तो ये भी पूछूंगी ना, जेल के अंदर होंगे, मैं तो आपसे ये भी पूछूंगी, मैं तो आपसे ये भी पूछूंगी कि आप एक सुरक्षित माहौल दीजिए ना, महिलाओं को सुरक्षित माहौल दीजिए ताकि वो खुलकर सामने आ सके, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उन्हें डर ना रहे, उनको पुलिस पर भरोसा होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन डर के मारे वो घर में ही रहती हैं, बाहर निकल ही नहीं पाती, वो भी माहौल पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, कोई भी घटना होती है जैसे ही सरकार के और पुलिस के संज्ञान में आती है उसमें कोई लापरवाही नहीं बरती जाती। आज उत्तर प्रदेश में वो माहौल है, आप किसी राज्य से तुलना कर लीजिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की, आज उत्तर प्रदेश के मॉडल को और राज्य भी अपनाना चाहते हैं। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप समाजवादी पार्टी के समय देखिए, ठीक है, रात में यादव साहब, ठीक है, उन्हीं से सवाल कर रही हूं, ठीक है, ठीक है, यादव साहब ये बताइए गायत्री प्रजापति, अरुण वर्मा, अब तिलक यादव कब पार्टी से बाहर कर रहे हैं, इन्हें तिलक यादव को कब पार्टी से बाहर कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है, सुजीत जी शायद आपका जो माइक है वो म्यूट है, आप वहां पर क्लिक करिएगा तो आवाज आ जाएगी। सुजीत जी पर मैं बाद में जाऊंगी, उनकी आवाज में कोई दिक्कत आ रही है, उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। निरंजन पोदार साहब, इस पूरे मामले में भाजपा ये कह रही है कि हम एक सुरक्षित वातावरण महिलाओं के लिए तैयार कर रहे हैं, हमारी सरकार में बहुत कुछ बदला है, लेकिन इन्हीं की सरकार में हाथरस कांड भी हो जाता है, इन्हीं की सरकार में ललितपुर भी हो जाता है, और इन्हीं की सरकार में उन्नाव में बहुत सारे पहलू आते हैं। देखिए काजल जी, ऐसा है बलिया, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, ये चीज हम मानेंगे कि निश्चित रूप से इस सरकार के अंदर जो संगठित अपराध था होता था उत्तर प्रदेश के अंदर, जो माफिया सरकारें चलाया करते थे, जो माफिया जिले चलाया करते थे, आज निश्चित रूप से उसके अंदर परिवर्तन हुआ है, जिसके लिए हम इस सरकार को साधुवाद देने के लिए बाध्य है, किंतु आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर काजल जी पोदार साहब, आप राजनीतिक जी मैं बताना चाहता हूँ, पहले मेरी बात सुनिए, आपने एक शब्द कहा कि थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, आप ये कैसे कह सकते हैं, आप मुझे ये बताइए, एक महिला एक मासूम के साथ धरनी हो जाती है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, उसके लिए तो पूरा जीवन खराब हो गया उसका। मैं इसी विषय पे आता हूँ कि एक महिला के लिए एक नारी के लिए एक महिला के लिए इससे बड़ा दुष्कर्म से बड़ा कोई नर्क नहीं है, ये सबसे बड़ा कष्ट है उसके लिए। किंतु मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि सरकार के अंदर सरकार को देखा जाता है, एक तो उसके साथ शोषण होता है, उसका शारीरिक शोषण किया जाता है, मानसिक शोषण किया जाता है, और एक्यूज की तरह उसे ही देखा जाता है, विक्टिम के तौर पर नहीं देखा जाता, इसी के अंदर मानसिकता है। मैं इसी पे आ रहा हूँ, तो अब ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, देखिए ऐसा है कि अपराध होने के बाद में किसी के साथ कोई प्रताड़ित होने के बाद में हम किसी को सजा दे तो निश्चित रूप से दोषी को सजा देनी नहीं चाहिए, लेकिन जो प्रताड़ित हुई है, जो कष्ट उसने भोगा है,
उसको हम ठीक नहीं कर सकते। तो सरकार का एक दायित्व यह भी बनता है काजल जी कि समाज के अंदर एक ऐसा समावेशी समाज का निर्माण करे, ऐसे समावेशी समाज की नींव रखे सरकार कि जिससे ऐसी घटनाओं के ऊपर रोक लगे, लोगों के अंदर इतना संस्कार हो, इतना भय हो कि कोई भी किसी के साथ बुरी नजर डालने के ऊपर से पहले 7 बार सोचे। और मैं इसके अंदर पूरे समाज को कहूंगा, इसके अंदर मैं शासन प्रशासन हमारे समाज के जो धार्मिक जो लोग हैं, जो धर्म के जो हमारे जो धार्मिक गुरु हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, मैं सबको कहूंगा और अपने परिवारों को और अपने जो समाज के जो नागरिकों को भी कहूंगा कि भाई इसके अंदर सबको मिलकर के कार्य करने की जरूरत है काजल जी, क्योंकि ये तो बीजेपी सरकार ने चलाया था, एंटी रोमियो स्क्वायर चलाया था या फिर तमाम ऐसे योजनाएं चलाई थी, तमाम ऐसे अभियान चलाए थे, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि अगर भाई बहन भी जा रहे हैं साथ में तो उन्हें भी पकड़ लिया जाता था। बजरंग दल के तमाम दल के जो युवक हैं उनके साथ बर्बरता करते थे, लेकिन ऐसे आरोपियों को नहीं पकड़ सकते, ऐसे के खिलाफ आवाज नहीं उठाते ऐसे दल। नहीं, इसके अंदर निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूं उस बात को मुझे पूरा करने दीजिए। सरकारों को प्रशासन के अलावा भी, ठीक है, सरकारों को प्रशासन के अलावा भी एक जैसे नागरिक समितियां होती हैं, सामाजिक समितियां होती हैं, ऐसी समितियों का निर्माण करना चाहिए जो घर घर की निगरानी रखे और ये देखे कि कहां पे क्या अपराध हो रहा है, कौन से घर की चार दीवारी के अंदर कौन लड़की, कौन महिला, कौन व्यक्ति पीड़ित है और उसको उसी दिन उसको न्याय मिले, जिस दिन उसके साथ प्रथम बार ऐसी कोई दुस्साहस होता है उसी दिन उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। चौधरी साहब, आपको अब सुनने की जरूरत है जो अभी पोद्दार साहब ने कहा है। दूसरी बात ये कि जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है, क्योंकि वो छात्रा को यानी कि उस पीड़ित लड़की को नहीं जानते। देखिए, कोई भी अपराधी कभी भी ये नहीं कहता कि मैं अपराधी हूँ, वो अपने बचाव में कहता है। वो राजनीतिक लोग हैं तो बीजेपी पे आरोप लगाएंगे, सबसे आसान काम होता है दूसरे पे आरोप लगा देना। पर मेरा पुनः आपसे यही कहना है कि सरकार अपना काम कर रही है, पारदर्शिता से काम कर रही है, दोषी को किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा। जो आरोप उस लड़की ने लगाए हैं उन आरोपों की पूर्ण सत्यता के साथ जांच होगी, जो भी अपराधी होगा उसको कानून के कटघरे में खड़ा करने की काम करेगी। लेकिन आप ये नहीं मानेंगे, लेकिन आप ये नहीं मानेंगे कि महिलाओं के साथ गलत हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जो आपने वादा किया था वो पूरी तरह से सफल नहीं है। आप स्वयं ही कह रही थी जम्मल इसी सरकार ने बनाने का काम किया है, आज सुरक्षित रूप से कॉलेज जाती है लड़कियां, स्कूल जाती है, पढ़ करके वापस आती है। मैंने तो कब कहा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ऐसा मैंने कब कहा? आपने स्वयं कहा ऐसा मैंने कब कहा? और ये सरकार जितना कानून का राज स्थापित किया है सरकार ने, ये किसी दूसरी सरकार ने नहीं किया। काजल जी, अपराधों में लगातार गिरावट आई है। काजल जी, अगर मामले पिछली सरकार में 5,000 आ रहे थे बलात्कार के और आपकी सरकार में 4,500 आ रहे हैं, तो आप ये बताइए कि कहां कमी आप लेकर आए हैं। आपका जवाब मैं लूंगी। भूदेव शर्मा जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। काजल जी, हम अपने राजस्थान में एक पुलिस का टैगलाइन पढ़ते थे कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराधियों में विश्वास और आम जन में डर जैसा माहौल हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जितने भी नेता हैं उनमें अधिकांशतः आरोपी हैं, अधिकांशतः बलात्कार के आरोपी हैं। तो आज देश को इन बीजेपी के नेताओं से ही अपनी बहनों को, बेटियों को बचाने की जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बलात्कार इनके द्वारा। ये बात बबरी देवी का कांड करने वाले कह रहे हैं, बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। बबरी देवी को मारने वाले ये कह रहे हैं, नैना साहनी को मारने वाले ये कह रहे हैं, कांग्रेस के मुंह से समझ नहीं आती है ये बात। उत्तर प्रदेश वाले, उत्तर प्रदेश में जो नेता हैं उनके पास ऐसे नहीं। चौधरी साहब, आप राजस्थान पर आवाज उठाएं तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर वो सवाल करते हैं उत्तर प्रदेश में तो आपको बुरा लग जाता है। उत्तर प्रदेश में आज कानून का राज है, उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी हुई है, उत्तर प्रदेश में आज अपराधी कारोबारी की हत्या कर दी जाती है, स्कूल के छोटे बच्चों के लाख का इनाम रखना पड़ता है। मुझे ये बताइए कि उन्ना, बलरामपुर, बलिया, ये सब उत्तर प्रदेश में नहीं है,
ये उत्तर प्रदेश से बाहर हैं। आज क्यों उत्तर प्रदेश की ये हालत आपने पैदा कर दी है? आज लोकवाद सरकार पे भरोसा करने से डर रहे हैं, प्रशासन का कोई भरोसा नहीं रहा है। आप लोग इस उत्तर प्रदेश आज महिलाएं थाने में रिपोर्ट कराने से डर रही है, लॉ एंड ऑर्डर खराब करना चाहते हो। हाथरस बलिया सुल्तानपुर लखनऊ गोरखपुर ललितपुर पुलिस कर्मी आपके ऐसे हैं जो एक व्यापारी को मौत के घाट उतार देते हैं, एक एक लाख का इनाम रखना पड़ता है। व्यापारियों को होटल में पुलिस जेल भेजने का मारा जा रहा है, पुलिस कर्मी को भी नहीं बख्शा जाता है। आज वो जेल के अंदर है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चाहे कोई कितने बड़े से बड़े होने पर बैठा हुआ भी हो, फटकार लगी तब जाकर सरकार सामने आई है, तब जाकर सरकार ने उत्तर प्रदेश में भेजा। आज उत्तर प्रदेश में बिना सुप्रीम कोर्ट बिना हाई कोर्ट के संज्ञान लिए हुए जो चीज गलत है दर्ज नहीं हुई है, केस में सुप्रीम कोर्ट मिटा दिया जाता है। मानिए इस बात को, आखिर कब तक सफाई देते रहेंगे? क्या करके अपनी सरकार को सलाह दीजिए, योगी जी को सलाह दीजिए। आशा करते हैं आप लोग समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पर आरोप लगाए, दूसरी जगह हुआ है ऐसा ललितपुर में ना हो तो आपकी है ना, आपको भी तो कुछ करना होगा। या आपके नेताओं पर आरोप नहीं लगाए तो मेरन कौन थे? कुलदीप सेंगर कौन थे? गोपाल सिंह कौन है? गोपाल सिंह कौन है? विजय जौली कौन है? वेंकटेश मौर्य कौन है? निहाल चंद कौन है? प्रमोद गुप्ता कौन है? ये सभी आपकी पार्टी से हैं। किसी पे कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, झूठा आरोप लगा रही है। यही बीजेपी में समझ नहीं आता, झूठा आरोप लगा रही है। अपनी सरकार होती है जिस राज्य में, वहाँ पर उनसे सवाल कर दिया जाए तो डिबेट से उठ के चले जाते हैं। आप बॉयज शो करके काम कर रहे हैं काजल जी, जब इन पर कोई इनसे सवाल पूछे जाते हैं, उनका जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता है तो ये मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हैं। मैं तो आशा करता हूँ, एक मिनट चौधरी साहब, क्या बोला अभी आपने? आपने सुना होगा ना मैंने क्या बोला? आप दोबारा से रिपीट करिए क्योंकि मेरे को सुनाई नहीं दिया, इसलिए दोबारा पूछ रही हूँ। आप क्या बोल रही थी, आप बताइए क्या पूछना चाह रही थी? मैं बोल रही हूँ कि आप ये बताइए कि भोपाल सिंह कौन है, विजय जौली कौन है, वेंकटेश मौर्य कौन है, निहाल चंद कौन है और प्रमोद गुप्ता कौन है? ये तो आप क्या आरोप है जरा इन पे बताइए ना, इन पे आरोप क्या है जरा बताइए। आरोप दलित महिला ने आरोप लगाया था, 2017 की बात है, 2017 फरवरी की बात है, यहाँ पर दिल्ली में आरोप लगा था। किस पे आरोप लगाया था? दलित महिला ने भोपाल सिंह पर आरोप लगाया था, ये वो नाम है जो मैं निकाल कर लेकर आई हूँ देश भर के। भोपाल सिंह कौन है, उनका परिचय दो ना पहले। यूपी में तो आप कुलदीप सेंगर को देख लीजिए ना, जब उसने पूरे परिवार को बता दिया था, उसे जेल में भेज दिया। कुलदीप सेंगर को सजा हो गई ना, सजा हो रही है, मैं तो मान जेल के अंदर है ना, मान रही हूँ ना, यही सरकार सजा दे सकती है। गायत्री प्रजापति 6 महीने समाजवादी पार्टी की सरकार को ढूंढे नहीं मिल रहे थे, वो गायत्री प्रजापति मुख्यमंत्री के संरक्षण में थे। का मैं पक्ष नहीं कर रही हूँ, जो गलत है वो गलत है, चाहे वो सपा में हो, बसपा में हो, बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज हुई थी, सरकार ने उनके खिलाफ FIR नहीं दर्ज होने दी, मुकदमा कायम नहीं होने दिया। आपकी बात से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, तब गायत्री प्रजापति पे सरकार में अपराध होता है तो कार्रवाई भी होती है। आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन आप ये मुझे बताइए ना कि आपकी सरकार में भी क्यों ऐसा हो रहा है? और जितने सरकारों में तो बहुत कुछ हुआ, पिछली सरकारों में बहुत कुछ हुआ, आपकी सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोगों से तो उम्मीद नहीं थी, आप पे बहुत भरोसा जताया था महिलाओं ने भी। आज महिलाओं में भरोसा है, हमने कानून व्यवस्था को ठीक किया है। देखिए आज आज काजल नारायण जी, अंदर महिला सुरक्षित महसूस करती है, आदमी सुरक्षित महसूस करता है, नौजवान सुरक्षित महसूस करता है। यहाँ का माहौल अपने सुधारने का काम किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बारी बारी से लूट रहे थे सपा बसपा को, उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं हो रहा, 0% एकदम रेप, 0% हत्याएं, 0% सब शून्य है उत्तर प्रदेश में। बहुत अच्छा माहौल है उत्तर प्रदेश का, ठीक है चौधरी साहब, ठीक है पदार साहब बोलिए। ऐसा है काजल जी, देखिए कोई भी अपराध घृणित अपराध है, लेकिन एक चीज आपको भी माननी पड़ेगी कि आज के कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति थी कि औरतें घरों से औरतें उठा नहीं जाती थी। पदार साहब,
मेरी बात सुनिए आप, नहीं आप मेरी बात सुनिए आप, संगठित अपराध हुआ करता था और घरों से औरतें उठा ली जाती थी, स्कूलों में जाती हुई लड़कियां अपराध कर ली जाती थी। आज कम से कम उसमें नहीं, उसमें आज कम से कम सुधार है। और जो आप जो अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, अभी जो एक मिनट देर को बोलने दीजिए, काजल जी नहीं, निश्चित रूप से मैं निश्चित रूप से मेरी मेरी घर में बेटी भी है, मेरी बहन भी है, मेरी माँ भी है। 2017 से पहले आते थे रेप के और अब 4,500 आ रहे हैं, तो क्या कमी आई आप ये बताइए ना मुझे। ये 21वीं सदी का भारत है, गलत मत पेश करिए। श्रीमान अभी आप कांग्रेस के बारे में, राजस्थान के बारे में कह रहे थे, आप कह रहे थे कि पुलिस का भय और ये सारी बता रहे थे। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान के अंदर भी पुलिस के अंदर भय है। अगर 21वीं सदी के भारत में भी बलात्कार की घटनाएं हमारी बेटियों के बच्चियों के साथ हो रही है, तो ये समाज के ऊपर कलंक है और आप इसको निश्चित रूप से कलंक है और उनको उनको पूर्ण रूप से दंडित किया जाए। लेकिन मैंने एक बात शुरू में क्या कही थी आपको, अरे कि जो घर की चार दीवारी के अंदर जो अपराध होता है, सीओ क्या कर रहा था राजस्थान के अंदर, सीओ क्या कर रहा था महिला पुलिस कर्मी के साथ, सीओ क्या कर रहा था पूरे देश ने देखा है। पूरे देश के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए कलंक है। राजस्थान पुलिस का एक सीओ महिला कांस्टेबल के साथ क्या कर रहा था भूदेव जी, भूदेव जी मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, मेरी बात समझिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक चार दीवारी के अंदर अगर एक नाबालिग लड़की हो रही है, तो उसके लिए हमें निश्चित रूप से हमारे समाज को बैठ करके सोचना पड़ेगा, हमारे राजनीतिक अमले को सोच कर बैठ करके सोचना पड़ेगा, प्रशासनिक अमले को सोचने के लिए बैठना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों को जवाब देना ही होगा, राजनीति मत करिए, जवाब दीजिए। मेरा ये सवाल है कि महिलाएं कब सुरक्षित होंगी, राजनीतिक विशेषज्ञ जवाब देंगे, कांग्रेस जवाब देगी और बीजेपी जवाब देगी, जवाब दीजिए। सवाल मेरे से आपका सबसे सवाल है, मेरा सवाल सबसे है, आप राजनीति करने लग जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप करने लग जाते हैं, लेकिन ये नहीं कहते नहीं। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है? ऐसा है काजोल जी, मैं जिस समय से बात कर रहा हूँ, मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि अपराध को आप दो श्रेणी में आपको बांटना पड़ेगा। एक अपराध वो है जो घर की चार दीवारी के अंदर होता है, जो घर की बच्ची के साथ होता है, वहां पे आप अपराध होने से पहले पुलिस फोर्स आप नहीं लगा सकते, हर घर में आप पुलिस की एंट्री नहीं दे सकते अपराध होने से पहले। तो इसके लिए हमारे समाज को बैठना पड़ेगा, हमारे समाज के जो दिग्गज है उनको बैठना पड़ेगा, सरकारों को इसके अंदर संज्ञान लेना पड़ेगा, प्रशासन को इसके अंदर संज्ञान लेना पड़ेगा, संस्कार। बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन ये होगा कब, कब होगा ये, क्या इसके लिए कोई मुहूर्त निकलेगा? नहीं, मुहूर्त नहीं, इसके लिए निश्चित रूप से इसके लिए चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य किसी भी राज्य की सरकार हो, समय की कमी है। बुधेश जल्दी से अपना कमेंट दीजिए। काजल जी बिल्कुल, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अगर आज इसके लिए विपक्ष आवाज उठाता है तो सियासत मानी जाती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जिसको कि बिल्कुल झूठी पार्टी है, ये सबसे ज्यादा बलात्कारी अगर मिलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में मिलते हैं। मैं तो कहता हूं कि जब तक पार्टियां इसके ऊपर मिलकर के संज्ञान नहीं लेंगी, देश की किसी भी बेटी या बच्ची के साथ इस तरह का दुष्कर्म होगा, प्रशासन और सरकार के द्वारा संविधान के अनुरूप सजा दी जाए और ऐसी घटनाओं को होने से रोका जाए, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो या पूरे देश में कहीं पर भी। ठीक है एक आखिरी कमेंट राजेश चौधरी जी, भरोसा दिलाइए। देखिए इस तरह की घटनाएं जहां भी होती हैं वो निंदनीय है, बड़ी जघन्य अपराध की श्रेणी में आती हैं, चाहे वो राजस्थान में हो, यूपी में हो, बंगाल में हो, कहीं भी हो, उसका हम सबको मिलकर के प्रतिकार करना चाहिए और उस पर जरा सी भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, परिवार के अंदर ये घटना घटी है, बाप पर आरोप है, रिश्तेदारों पर आरोप है और शीघ्रता को भी समय की आवश्यकता है। यहाँ पर योगी जी का राज है,
कानून का राज है, एक अपराधी बच नहीं पाएगा। यदि उसने अपराध किया है तो उसको सजा मिलेगी। बिल्कुल, उम्मीद आपसे बहुत, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ललितपुर में एक 17 साल की मासूम के साथ दरिंदगी हुई है, अपने ही पिता ने हवस का शिकार बनाया। इसके अलावा तमाम नेताओं पर भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने अभी देखा कि आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, लेकिन एक मजबूत हल निकालने की जरूरत है। आखिर महिलाएं कब तक यूं ही दबी सहमी रहेंगी, सालों साल शोषण स्वीकार करती रहेंगी? एक दिन तो ऐसा आना चाहिए कि वो आजादी की सांस ले सके, इस हवा में खुलकर जी सके। ये बहुत जरूरत है महिलाओं के लिए। 2022 बेहद नजदीक है, हर मुद्दे पर चर्चा हो रही है, तो आखिर महिलाओं की सुरक्षा पर क्यों नहीं? फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे उन मुद्दों के साथ जो सीधे आपसे जुड़े हैं। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।